स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ, पर मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर्स आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं, और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो जो लोग थे वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं आज तक। इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया, वो कर पाए, क्योंकि मैं तो बाहर था, दौरे में था, कभी मैं कोचिंग गया हुआ था, कभी मैं जैसे में चला गया था। तो आप बताइए कि क्या नौबत आई। ये तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को, हमारे सब नेताओं को सोचना चाहिए कि सच्चाई किस प्रकार ये हुई है, क्यों आक्रोश पैदा हुआ है विधायकों में, और उसको अपने आप को हम लोगों को चाहिए, हम सब कोई भी है, भले मैं हूँ या कोई भी है, अगर हमें कुछ कमियां हैं तो प्रयास करना चाहिए दूर करने की, हमको खुद को प्रयास करना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ मेरा प्रयास, मैं तो हर वक्त चीज़ें सीखता हूँ, तभी मेरा काम चलता है, तो इसलिए कोई